रेगिस्तान में रहस्यमय संगीत भूत प्रेत का है ये काम। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे रेगिस्तान के बारे में जहां सदियों से बज रहा है संगीत। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह भूत प्रेतों का काम है। मोरक्को के रेगिस्तान में ऐसी कई जगह हैं जहां ज्यादातर संगीत सुनाई देता है। कभी यहां अजीब सी आवाज तो कभी ड्रम, गिटार, विलियन या अन्य वस्तुओं की निकलने वाली आवाज सुनाई देती है। जबकि ये ऐसा रेगिस्तान इलाका है यहां रहना ही मुश्किल है, तो यहां संगीत सुनाई देना किसी अचंभे से कम नहीं है। यहां से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि शायद यह भूत प्रेतों का काम है जो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को डराते हैं। ऐसा न जाने कितनी सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कोई भी इसकी सही वजह नहीं ढूंढ पाया है। इससे पहले 13वीं शताब्दी में जब यात्री मार्को पोलो पहली बार चीन पहुंचे थे, तो वहां के रेगिस्तान इलाकों में ऐसी ही संगीत की धुनें उन्होंने भी सुनी थी। तब उन्होंने भी यही अनुमान लगाया था कि यह शायद आत्माएं हैं जो रेगिस्तान में भटकती रहती हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है दो अलग अलग जगहों पर एक सी ही घटनाएं हों और वह भी इतने समय के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ सच्चाई है क्या, जिसकी वजह वैज्ञानिकों ने खोज निकाली है। लैब में लंबे समय तक हुए प्रयोग के बाद पाया गया कि रेगिस्तान में बने रेत के ढलानों के नीचे से जब रेत खिसकती है, इस दौरान होने वाली वाइब्रेशन से यह संगीत पैदा होता है। इसके लिए रेत के कणों का आकार भी जिम्मेदार है। कणों का आकार और रेत के खिसकने की गति उस संगीत जैसी ध्वनि के मुख्य कारक हैं। हवा के कारण रेत तेजी से खिसकता है और इसी कारण से संगीत की अलग अलग धुनें निकलती हैं। ये थी SNews रिपोर्ट।